नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको डेक्सोना टैबलेट के बारे में बताऊंगा। ये डेक्सोना टैबलेट जो मार्केट में आती है जाइडस कंपनी की आती है, 30 गोलियों का टैबलेट का पैक रहता है। 30 गोली का जो टैबलेट का पैक मार्केट में आता है उसकी कीमत रहती है 6 रुपये और 12 पैसे, यानी 6 रुपीज़ एंड 12 पैसा। पूरी जानकारी लेंगे, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगी। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे क्या चीज़ के लिए चलती है। तो ये जो डेक्सोना टैबलेट मार्केट में आती है इसको स्टेरॉयड टैबलेट बोला जाता है दोस्तों, ये स्टेरॉयड है। तो ये जो डेक्सोना टैबलेट मार्केट में आती है ये बहुत सारे इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है दोस्तों। अगर आपको कुछ तकलीफ़ है, आपको अस्थमा की तकलीफ़ है, तो अस्थमा की तकलीफ़ के लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है। आपको अर्थराइटिस की तकलीफ़ है तो उसके लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है। आपको कुछ एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन आ गई है, तो उसके लिए भी ये दवा यूज़ की जाती है दोस्तों। ये ब्लड हार्मोन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर के लिए भी यूज़ की जाती है दोस्तों। ये सर्टन कैंसर्स जो रहते हैं उसके अंदर भी यूज़ की जाती है। तो बहुत सारे तकलीफों में छुटकारा पाने के लिए दवा चलती है, बढ़िया दवा है दोस्तों। लेकिन अपने दिल से इसको ना ले, क्योंकि इसके बहुत सारे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट भी है। कुछ लोग इसको वेट गेन करने के लिए भी लेते हैं, तो दोस्तों वेट गेन करने के लिए बहुत सारी दूसरी दवाई मार्केट में उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये स्टेरॉयड है। ये कुछ दिनों में आपका वेट गेन कर देगा, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है। आप लेना बंद कर देंगे तो आपका जो बढ़ा हुआ वजन है वो धीरे 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 वापस कम हो जाएगा। तो बहुत साइड इफ़ेक्ट है। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर डेक्सामिथासोन सिंगल कंटेंट है, सिंगल इंग्रेडिएंट है। इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, दवा से आपको नौसिया की शिकायत हो सकती है, वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, स्टमच अपसेट हो सकता है, कुछ स्वेलिंग भी आ सकता है, सूजन आ सकती है, हेडेक जैसी शिकायत दवा से हो सकती है, डिजीनेस आ सकता है, आपका मूड चेंजेस जैसी शिकायत ये दवा की वजह से हो सकती है। ये दवा की वजह से आपको डिप्रेशन भी आ सकता है। ये दवा की वजह से आपको ट्रबल फेलिंग अस्लीप, नींद के अंदर भी कुछ तकलीफें हो सकती है। तो दोस्तों बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ये दवा के है, तो लेते टाइम इसको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसको डॉक्टर लोग जनरली उनके डोसेस के हिसाब से देते हैं, तो आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अपने दिल से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप 8 दिन 15 दिन महीना 2 महीना साल भर रेगुलर लेंगे, तो बहुत साइड इफ़ेक्ट इसके हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।